आज हम लोग इंडिया साइज एंड लोकेशन एनसीईआरटी बुक का क्लास 9 का ज्योग्राफी करेंगे। बोलो। इंडिया इज वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। इसका मीनिंग है कि इंडिया जो है सबसे पुराना, मतलब कि सबसे पुराना तो नहीं कह सकते, मतलब बहुत पुराना इसका सिविलाइजेशन है। जैसे कि हम लोग बहुत देखे कि बहुत सारे आए हैं, जैसे कि हरप्पन कल्चर आए हैं, बहुत सारे ये सब सिविलाइजेशन आए हैं। इट हैज़ अचीव मल्टी फेसेट सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड्स। इसका मतलब कि इंडिया, देखें आप लोग, पुराने की पहले, जब आज़ादी के पहले, आज़ादी के बाद भी ये हमारा इंडिया पहले उतना अचीव नहीं कर पाया था सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस, मतलब समाज में प्रोग्रेस की, समाज में कूड़ा कचरा इधर उधर फेंका रहता था, ये सब प्रोग्रेस उतना नहीं कर पाया था 5 डिकेड्स पहले भी देख सकते हैं। इट हैज़ मूव फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर ड्यूरिंग टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और यहाँ ये भी लिखा हुआ है कि हम लोग ये भी देख सकते हैं कि पहले एग्रीकल्चर भी उतना नहीं था, मतलब कि ज़्यादा क्रॉप नहीं होता था, लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद हुआ। फिर इंडस्ट्री ज़्यादा सेटअप नहीं खोला गया था, टेक्नोलॉजी उतना नहीं हुआ था, जैसे कि अब हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी हो रही है और हम लोग भी अब डेवलप्ड कंट्री होने वाले हैं। फिर यहाँ आते लोकेशन कि इंडिया का वर्ल्ड में कितना लोकेशन है, और ये आपको बता देते हैं कि इंडिया जो है वो वास्ट कंट्री है, मतलब इंडिया जो है वो बहुत बड़ा कंट्री है, और इंडिया जो है वर्ल्ड में 7th लार्जेस्ट कंट्री है। 7th नंबर पे इंडिया आता है लार्जेस्ट कंट्री में, और इंडिया का पॉपुलेशन 2nd नंबर पे आता है। आपको फ्रेंड्स फर्स्ट पे पता ही होगा कि फर्स्ट पे है अभी चाइना पे, लाइंग इंटायरली इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर। और जो है यहाँ आप जहाँ से देख रहे हैं कि इंडिया जो है वो नॉर्थन हेमिस्फीयर में आता है। अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम में आए कि इंडिया जो है वर्ल्ड में कहाँ पे आता है, तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं नॉर्थन हेमिस्फीयर। द मेन लैंड एक्सटेंड बिटवीन लैटीट्यूड 8° 4' नॉर्थ एंड 37° 6' नॉर्थ। मतलब इसे कहने का मतलब है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे इंडिया का मैप बनाते हैं, जैसे इसका कहने का यहाँ मतलब, जैसे कि यहाँ भी इसका फिगर दिया हुआ है कि ये जो है ये 37° 6' नॉर्थ है। आपको पता है कि ये नॉर्थ है, ये नॉर्थन साइड है और ये साउथर्न साइड है, तो यहाँ पे आता है आपका 8° 4', ये आपका आ जाता है साउथ। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे ये है आपका लैटीट्यूड और ये आपका लॉन्गिट्यूड है 68° 7' ईस्ट एंड 97° 25' ईस्ट, जो कि यहाँ पे है आपका 97° 25' ईस्ट। यहाँ आपका आता है स्टेट लाइक अरुणाचल प्रदेश, और इधर आपका आ जाता है गुजरात साइड 68° 7' ईस्ट। ये आज आपका आ जाता है ईस्ट साइड, ये आपका जाता है वेस्ट साइड, इसमें कन्फ्यूज मत करिएगा फ्रेंड। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23° 30' नॉर्थ डिवाइड द कंट्री इंटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। और ये हम लोग जानते हैं कि इंडिया को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, ये ऐसे कुछ है, और ये जो कट करती है इंडिया को, इसमें 7 स्टेट आते हैं जो कि इसको कट करती है। ठीक है फ्रेंड्स, और अब यहाँ आ जाते हैं टू द ईस्टर्न ईस्ट, साउथर्न ईस्ट एंड द साउथर्न वेस्ट ऑफ द मेनलैंड लाइज द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड एंड द लक्षद्वीप आइसलैंड। मतलब कि अब इंडिया के आइसलैंड भी, इंडिया के 2 आइलैंड है, यहाँ पे है लक्षद्वीप आइलैंड और यहाँ पे है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड द आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल। ये है आपका बे ऑफ बंगाल में, जैसा कि मैंने आपको कहा, और एक है आपके अरेबियन सी में, जैसे कि ये आपका लक्षद्वीप आइसलैंड है, ये आपका अरेबियन सी में है, और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आपका बे ऑफ बंगाल में है। फाइंड आउट द एक्सटेंड ऑफ दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड फ्रॉम योर एटलस। अब आपको ये पता करने के लिए बोला है, डू यू नो द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया यूनियन इंदिरा पॉइंट गॉट सब मर्ज अंडर द सी वाटर इन 2004 ड्यूरिंग द सुनामी। ये आपको बता रहा है कि इंदिरा पॉइंट, फ्रेंड हम आप पहले हम आपने कहा था, हमने कहा था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करते हैं स्टेट से, तो मैं आपको अब वो स्टेट के नाम बताने जा रहा हूँ। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये सब स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। ओके फ्रेंड्स, फिर आ जाते हैं चैप्टर पे।
साइज। अब यहाँ पे हम लोग इंडिया का लोकेशन पढ़ रहे थे कि वर्ल्ड में इंडिया का लोकेशन कहाँ है, तो हमने पढ़ा कि वर्ल्ड में, थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं कि वर्ल्ड में इंडिया का लोकेशन नॉर्थन साइड में है, नॉर्थन साइड में, ठीक है फ्रेंड्स, नॉर्थन हेमिस्फीयर में है, नॉर्थन साइड में है। और इंडिया का जो है लेटीट्यूड 8° 4' साउथ है और 37° 6' नॉर्थ है, ठीक है फ्रेंड्स। और लॉन्गिट्यूड 68° 7' वेस्ट है और 97° 25' ईस्ट है। और हमने पढ़ा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो होता है 23.5° नॉर्थ, मतलब कि ये होता है 23.5° नॉर्थ, और इसी को यहाँ पे लिखा गया है 23° 30° नॉर्थ, कोई डिस्प्यूट। और ये जो है कंट्री को 2 equal parts में डिवाइड करता है, जैसे कि हमारा ये हम लोग अर्थ बना देते हैं, तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो यहाँ से पास होती है तो यहाँ पे 2 equal parts में लगभग अप्रोक्सीमेट कट करती है। और हमको बता देते हैं कि इंडिया जो है यहाँ पे, जैसे कि अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से अगर पास हो रही है तो इंडिया जो है लगभग अप्रोक्सीमेट यहाँ पे है, अर्थ में यहाँ पे है इंडिया। और ये जो स्टेट पास हो रही है, जो यहाँ से दिखाई आपको दे रहा है, यहाँ पे देखिए बुक में यहाँ पे फिगर है आपके पास, बुक इंडिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है। अब साइज पे आ जाते हैं, द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज एन एरिया ऑफ 3.28, द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज एन एरिया ऑफ 3.28 million square kilometers, मतलब कि इंडिया का जो एरिया है जो कवर करता है पूरे वर्ल्ड में, मतलब कि ग्लोब में, तो वो है 3.28 million square kilometers, एसक्यू किलोमीटर को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। इंडिया टोटल एरिया अकाउंट फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड में, जैसे कि इंडिया यहाँ पे, तो वो 2.4% जो एरिया जो होता है वो कवर्ड करता है पूरे, मतलब कि पूरे वर्ल्ड में। और देखिए फ्रेंड्स, फ्रॉम द फिगर 1.2, अब ये है फिगर 1.2, यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये 1.1 है, ये 1.2 है। इट इज़ डिक्लेयर दैट इंडिया इज द 7th largest country ऑफ द वर्ल्ड, मैंने आपको यहाँ पे कहा कि इंडिया जो है वो 7th largest country है वर्ल्ड में, और इंडिया के पहले भी 6 countries आते हैं जो कि इंडिया से साइज में बड़े हैं। इंडिया हैज अ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर, जिसमें इंडिया का जो लैंड है जो इंडिया कवर करती है वो है 15,200 किलोमीटर, ये इंडिया का लैंड बाउंड्री है। एंड दी टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ मेन लैंड इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप इज 7,516.6 किलोमीटर, ये जो है आपका वाटर, मतलब कि जो है वो यहाँ पे है। इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन, और आपको पता है नॉर्थ ईस्ट में, अब जैसे कि अगर हम इंडिया का यहाँ पे फिगर बना लेते हैं, बस गड़बड़ बन रही है इंडिया का मैप, लेकिन फिर भी तो यहाँ बता दे कि हमको, हम लोग को यहाँ पता है कि यहाँ पे बहुत सारा माउंटेन से फोल्डेड है इंडिया पे, जैसे कि यहाँ यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर है, यहाँ पे लक्षद्वीप है, तो आपको पता है यहाँ पे बहुत सारे माउंटेन से यहाँ पे है। और ये है नॉर्थन साइड है, तो यहाँ लिखा हुआ है कि इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन इन द नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट south of the 22° north latitude, it begins to taper and extend toward the Indian Ocean, dividing it into two seas. और ये बोल रहा है कि इंडिया जो है ऑल्सो दो, मतलब कि सीज को डिवाइड करती है, जैसे कि सीज, जैसे कि इंडियन ओशियन हो गया सी, अरेबियन सी यहाँ आपको पता है कि यहाँ पे अरेबियन सी है, यहाँ पे इंडियन ओशियन है, और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है। और आपको ये बता देते हैं कि इंडिया का जो साउथर्न पार्ट जो होता है, ये जो पार्ट होता है, ये साउथर्न पार्ट से आपका, इसको कहते हैं पेनिसुलर एरिया, ये इसको पेनिसुलर एरिया इसलिए कहा जाता है, पेनिसुलर एरिया का मतलब दैट एरिया कवर्ड विथ 3 seas और 3 water bodies, मतलब कि जैसे कि यहाँ अरेबियन सी है, यहाँ पे आपका इंडियन ओशियन है, यहाँ आपका बे ऑफ बंगाल है, तो ये इसलिए आपको इसको कहा जाता है पेनिसुलर पार्ट। अब फिर आते हैं चैप्टर पे, लुक एट द फिगर 1.3, अब ये 1.3 फिगर को देखना है, एंड नोट दैट लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट ऑफ द मेनलैंड इज 30°, ये आप बुक में दिया हुआ है कि लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड का दोनों का एक्सटेंट है वो 30° है। डिस्पाइट दिस फैक्ट द साउथ वेस्ट एक्सटेंट अपीयर्स टू बी स्मॉलर देन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट, फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 hours, और ये पढ़े हैं जैसे कि आपका यहाँ पे है आपका गुजरात और यहाँ पे आपका अरुणाचल प्रदेश, तो आपको पता, आपको ये पता होना चाहिए कि हम लोग जो फ़ोन में जो टाइम वाइम जो देखते हैं
ये सब हम लोग मिर्ज़ापुर है एक उत्तर प्रदेश में, वहाँ से देखते हो। और यहाँ गुजरात से अरुणाचल प्रदेश का टाइम रहेगा आपका 2 मिनट का। हैंस टाइम अलॉन्ग दिस स्टैंडर्ड मिनिटन ऑफ इंडिया पासिंग थ्रू मिर्ज़ापुर इन उत्तर प्रदेश, जैसा कि मैंने आपको कहा, इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। और ये पूरे इंडिया की कंट्री के लिए ये जो आपका मिर्ज़ापुर है यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, ये यहाँ से सेट किया गया है स्टैंडर्ड टाइम इंडिया के लिए। यही से आप टाइम देख पता कर सकते हैं। द लैटिट्यूडनल एक्सटेंड इन्फ्लुएंसेस द डायरेक्शन ऑफ डे एंड नाइट एज वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। और ये देखिए, पहले में कंट्री में सबसे लार्जेस्ट एरिया जो कवर करते हैं वो है रसिया, फिर कैनेडा, फिर USA, फिर चाइना, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर आते हैं इंडिया 7th नंबर पर। इंडिया एंड द वर्ल्ड, अब हम लोग इंडिया और साइज के बाद हम लोग इंडिया और वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया एंड द वर्ल्ड, द इंडियन लैंडमार्क हैज अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। इंडिया इज द साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। The Trans-Indian Ocean route which connects the countries of Europe in the west and the countries of East Asia provide a strategic central location of India. इसका ये मतलब है कि एक Trans-Indian Ocean एक रूट है, मतलब कि वाटर बॉडीज में एक रूट है जिसका नाम है Trans-Indian Ocean route। ये जो है यूरोप की कंट्री, यूरोप में कौन कौन सी कंट्री आते हैं, जैसे कि देखते हैं कि रशिया, फ्रांस, यूक्रेन, ये सब यूरोप की कंट्रीज और एशियन कंट्रीज में इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, ये सब आते हैं आपके एशियन कंट्रीज में। तो वो सी रूट के थ्रू आ सकते हैं, तो वो सी रूट के नाम है इंडिया, मतलब कि जो यूरोप को और एशिया को कनेक्ट करती है, ट्रांस इंडियन ओशियन एग्जाम में आ सकते हैं। नोट दैट द डेक्कन पेनिनसुला प्रोट्रूड्स इनटू द इंडियन ओशियन दोज हेल्पिंग इंडिया टू एस्टेब्लिश क्लोज कॉन्टेक्ट विद वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप। यानी आपको बताया, फ्रॉम वेस्टर्न कोस्ट एंड विद साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट। नो अदर कंट्रीज हैज ए लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशियन एज इंडिया हैज एन इंडीड। इट इज इंडिया इमिनेंट पोजिशन इन द इंडियन ओशियन विद जस्टिफाइज द नेमिंग ऑफ ओशन आफ्टर इट। मतलब यही कहा है कि ये जो मतलब कि जो रूट है जो हम लोग यूरोप से एशिया तक आ सकते हैं, इसी ये जो सबसे लार्जेस्ट रूट है ओशियन का, इसका नाम है ट्रांस इंडियन ओशियन रूट। और इसी से इंडियन ओशियन का नेम आया, ये जो पता है आपको नाम है यहाँ पे इंडियन ओशियन, तो यहीं से नाम आया, इंडिया के ही फॉर्म से नाम आया है इंडियन ओशियन। और आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि वाई इंडियन ओशियन नेम, वाई इंडियन ओशियन नेम आफ्टर नेम ऑफ इंडिया इंडिया, तो ये आपको क्वेश्चन आ सकते हैं कि वाई इंडियन ओशियन नेम आफ्टर द नेम ऑफ इंडियन, तो ये आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि ये ट्रांस इंडियन रूट के कारण पहले इंडिया नेम आया, तो उसी से फिर नेम आया इंडियन ओशियन, क्योंकि ये वाटर बॉडीज भी कनेक्टेड है। और ये भी एक क्वेश्चन है कि वाई इंडियन ओशियन नेम द नेम ऑफ साउथर्न मोस्ट, तो इसका आंसर होगा इंदिरा पॉइंट। मतलब कि सबसे साउथर्न मोस्ट में ओशियन से कनेक्ट कौन सा है, जैसे कि यहाँ पे इंदिरा पॉइंट, अगर आपको मैप में अगर आपको लोकेट करने के लिए बोले तो ये आपका साउथ है, तो आपका ये है आपका इंदिरा पॉइंट, यहाँ आप लोकेट करेंगे इंदिरा पॉइंट, मतलब कि साउथ में कनेक्ट है। यहाँ लिखा हुआ है नेम एज द साउथर्न मोस्ट, तो ये एकदम साउथर्न मोस्ट है ये आपका। फिर ये आपको और क्वेश्चन आ सकता है, सिग्निफिकेंस ऑफ द इंडियन ओशियन, मतलब कि इंडियन ओशियन का क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों जरूरी है, क्या सिग्निफिकेंस है फॉर ट्रेड। मतलब हम लोग जानते हैं कि इंडिया से बहुत कुछ चीज़ें प्रोडक्ट बाहर जाती है, और बाहर से भी बहुत प्रोडक्ट मतलब कि हम लोग के देश में आती है, जैसे कि इंडिया से बाहर बहुत सारे मसाला जाते हैं, इंडिगो जाते हैं, ये सब बहुत सारे प्रोडक्ट जाते हैं, और बाहर से भी प्रोडक्ट आते हैं, तो किसके थ्रू आते हैं, वाटर बॉडीज़ के थ्रू आते हैं, लैंड के थ्रू आते हैं, तो वाटर बॉडीज़ के भी थ्रू आते हैं। और फॉर नेविगेशन, नेविगेशन मतलब जैसे कि शिप विप जो चलती है ओशियन में, ये सब नेविगेट मतलब पता लगाना कि कौन सा जगह किधर है, ये सब अगर पानी में कुछ है कुछ पता करना है वो। और कल्चरल एक्सचेंज, जो अभी आपको बताया कि हम लोगों ने इंग्लिश सीखा, ये सब सीखा किससे सीखा, इंग्लैंड से सीखा, तो ये सब है कल्चरल एक्सचेंज कि वो सब कैसा कपड़ा पहनते हैं, हम लोग कैसा, ये सब भी हम लोग जान सकते हैं।